मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक युवक ने चाकू से एक टीचर पर जानलेवा हमला किया जिसमें टीचर बुरी तरह से घायल हो गया है। मामला है काशी मीरा पुलिस स्टेशन के हद में पड़ने वाले पेनकर पाड़ा परिसर में। गुजराती चाल में प्राइवेट क्लासेस चलाने वाले एक टीचर को 10 अगस्त की दोपहर को चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया गया। अब इस घटना का CCTV फुटेज वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घायल टीचर को मीरा रोड स्थित भक्ति वेदांत अस्पताल के ICU में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घायल टीचर का नाम राजू ठाकुर, जो काशी मीरा के पेंकरपाड़ा परिसर में 12वीं तक के स्टूडेंट्स को ठाकुर एकेडमी नाम से प्राइवेट क्लासेस में पढ़ाते थे। गुरुवार की दोपहर करीब 12 बजे जब राजू ठाकुर और अन्य लड़कों के साथ बातचीत कर रहे थे तो आरोपी उनके पेट चाकू मार दिया। टीचर पर हमला करने वाला लड़का नाबालिग बताया जा रहा है। हमले के बाद लड़का खुद पुलिस स्टेशन पहुंच गया। इस संबंध में काशीमीरा पुलिस स्टेशन ने नाबालिग लड़के के खिलाफ धारा 326 के तहत मामला दर्ज किया है। उसे हिरासत में भी लिया गया है। हमले के पीछे क्या वजह है, पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। संदीप कदम, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। क्या घटना है वो जरा विस्तार से बताएंगे। जो पेंकरपाड़ा में कल एक जो वीडियो वायरल हुआ उसके बारे में हम लोगों ने जो विक्टिम है उसके बारे में हम लोगों ने उनका कंप्लेंट यहाँ पे रजिस्टर किया है। उसका CR नंबर है 567/2023 और उस घटने का वो केस रजिस्टर होने के बाद हम लोग उसका डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमारा तपास चालू है और वहाँ पे वो एरिया में अभी शांतता है।